तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बनाना स्मूथी और बनाना मिल्क शेक। वैसे स्मूथी और मिल्क शेक में यही डिफरेंस होता है कि जो मिल्क शेक होता है, जो शेक्स हैं बेसिकली, दे आर बेस्ड ऑन क्रीमी एंड मिल्क, वेरी रिच इन शुगर एंड फैट। और जबकि जो स्मूथी होती है वो थोड़ी थिक होती है, हम कह सकते हैं इट्स अ थिक फॉर्म ऑफ अ फ्रूट जूस। लाइक मैंगो जूस जो होता है वो थिक होता है कंपेरेटिव टू ऑरेंज जूस, समथिंग लाइक दैट। अगर हम उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ इंग्रेडिएंट मिलाएं जिससे वो थोड़ा थिक हो जाए, देन वी विल कॉल इट स्मूथी। बट बनाना शेक के लिए हम शेक भी यूज़ कर सकते हैं और स्मूथी भी, क्योंकि वो गाढ़ा भी होता है और टेस्टी भी होता है और उसमें मिल्क और फ्रूट दोनों हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों बनाना शेक या बनाना स्मूदर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं केले, हमने लिए शुगर, ये हमने दालचीनी का पाउडर लिया है, आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, चाहे चॉकलेट। ये हमने इलायची पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बिल्कुल ठंडा दूध है दोस्तों। अगर आपको लैक्टोज से एलर्जी है तो आप घबराएं नहीं, आप रेगुलर मिल्क की जगह आलमंड मिल्क, ओट्स मिल्क या फिर सोया मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ये कैसे बनाते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको आने वाले फ्यूचर वीडियोस में रेसिपी भी बता दूंगी। तो दोस्तों नॉर्मल दूध ले सकते हैं या फिर आप उसमें आइस डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम बनाना को फील करके काटेंगे, इसके छोटे टुकड़े काट के हम ब्लेंडर में डालेंगे और साथ में अपने पसंद का फ्लेवर, चाहे इलायची हो या दालचीनी या कोई चॉकलेट। अगर आप चॉकलेट डालते हैं तो वो चॉकलेट बनाना शेक हो जाएगा, अगर आप उसके अंदर वनीला आइसक्रीम डालते हैं तो वनीला बनाना शेक हो जाएगा। जैसा भी आपको पसंद हो वो फ्लेवर आप उसमें डालें और नया फ्लेवर आपका तैयार है। हम यहाँ इसके अंदर शुगर डालेंगे लगभग 5 चम्मच, दो चुटकी के करीब इलायची पाउडर, पहले में एक बार इलायची के साथ बनाना शेक बना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें दालचीनी पाउडर भी डालूँगा, तो दो फ्लेवर हो जाएंगे। आप चाहें तो कितने भी फ्लेवर बना सकते हैं इसी तरह, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो दोस्तों बनाना अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं और हमारा शेक तैयार है। आप चाहें तो इसके अंदर सर्व के टाइम वनीला आइसक्रीम भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।